अगर आपको IUI सजेस्ट किया है तो आपका जानना ज़रूरी है कि IUI क्या होता है, किस तरह से होता है। देखिए, IUI होता है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस के अंदर हस्बैंड के स्पर्म्स डाले जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी रेट बेटर हो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी किस तरह से आती है। अगर आप नॉर्मली ट्राई करते हो तो ओव्यूलेशन के अराउंड जब आपका एग रिलीज होने वाला होता है तब आप रिलेशन रखते हो और पीरियड मिस होने का वेट करते हो। IUI में क्या किया जाता है, आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है, मतलब बार बार अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं कि आपके एग्स अच्छे से मैच्योर हुए हैं या नहीं, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो रेडी है प्रेगनेंसी के लिए या नहीं। और जब हमें लगता है कि आपका एग भी अच्छा बन गया है, आपकी लाइनिंग भी बहुत अच्छी बन गई है, तब हम एग रप्चर होने का इंजेक्शन देते हैं। कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर, हमारा एग तो रिलीज़ हो जाता है, ये इंजेक्शन देने की क्या ज़रूरत है, हम बिना इंजेक्शन भी तो देख सकते हैं। बात एकदम सही है, बट IUI के अंदर टाइम ऑफ IUI इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम IUI करते ही इसलिए हैं ताकि वो जो विंडो है ना, नैरो विंडो, कि इस टाइम पे एग्जैक्ट इस टाइम पे आपका एग रिलीज़ हुआ है, हमें वो पता हो और हम एग्जैक्टली उसी टाइम पे यूट्रस के अंदर स्पर्म्स डाल पाएं। अब क्या है, अगर आप इंजेक्शन नहीं लेते हो आपका एग कभी भी रिलीज़ हो सकता है, हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंजेक्शन लेते हो, ट्रिगर शॉट जिसे कहते हैं एग रप्चर होने का, हमें पता है वो इंजेक्शन देने के 36 आवर्स बाद एग रिलीज़ होगा, तो हम IUI उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं ताकि जैसे ही आपका एग रिलीज हो वैसे ही हम स्पर्म्स को वॉश करके आपके यूट्रस में डाल पाएं। दूसरी एडवांटेज क्या होती है एग रप्चर के इंजेक्शन की, कि ये आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करता है। जो HCG का इंजेक्शन होता है ना, वो हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी रिलीज करती है, जो कि आपके एग को प्रोजेस्टेरॉन बनाने में हेल्प करती है। यही प्रोजेस्टेरॉन आगे जाके आपको प्रेगनेंसी लाने में हेल्प करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो जो ट्रिगर शॉट है वो सही टाइम पे दें, बहुत जल्दी भी नहीं देना चाहिए, बहुत लेट भी नहीं देना चाहिए। इस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ये जो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं। जब आप ये ट्रिगर शॉट लेते हो तो आपके फर्टिलिटी सेंटर पे आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको कब आना है। कुछ सेंटर्स होते हैं जो सिंगल IUI करते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जो डबल IUI करते हैं। जो डबल IUI करते हैं वो यूजुअली आपको बताते हैं कि आज हमने आपको इंजेक्शन दे दिया, एक बार आपको कल आना है IUI कराने, एक बार परसों आना है। ज्यादातर जगह सिंगल IUI ही होता है, उसमें आपको जब ट्रिगर शॉट दिया जाता है उसका टाइम नोट किया जाता है और उसके बाद आपको 36 आवर्स के बाद बुलाया जाता है। ये जो टाइमिंग है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एडवाइजेबल है कि आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सेंटर पे जाएं जहां पर सारी सुविधा अवेलेबल हो और आपका IUI का सक्सेस रेट बेटर हो। अब मान लो आज शाम को आपने एग रप्चर होने का इंजेक्शन लिया है तो आपका कल का दिन छोड़ के परसों सुबह आपको बुलाया जाएगा। जब आप सुबह जाते हो तो हस्बैंड को अपना सैंपल देना होता है, उसके लिए एक सेपरेट रूम होता है। सैंपल रिसीव करते ही जो सेंटर पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं वो उस सैंपल को एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप में। उसके बाद उस सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने में क्या करते हैं, अगर आपका एनालिसिस की रिपोर्ट आपके पास पड़ी है तो आपने देखा होगा 40%, मान लो एग्जाम्पल है, मान लो 40% मूव कर रहे हैं स्पर्म्स, बाकी 60% नहीं मूव कर रहे हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम ये 40% सेपरेट कर लेते हैं। उसके अलावा इमोटाइल डेड स्पर्म्स जो होते हैं, अंदर इन्फेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, जो फ्लूइड वगैरह यूट्रस के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो सब चीज़ें हम सेपरेट करते हैं। इन स्पर्म्स को हम अलग करते हैं, एक कैथेटर के अंदर लोड करते हैं और आपके यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। यूट्रस में इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी हर सेंटर का अलग होता है। मेरे सेंटर पे मैं कोशिश करती हूँ पेशेंट को बिल्कुल पता ना चले, बिल्कुल पेन ना हो, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो हम स्टील के हार्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ करते, हम बहुत ही सॉफ्ट डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता। उसके बाद जो कैथेटर होता है वो भी बहुत फाइन होता है। मेरे सेंटर पे क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसलिए मैं कई केसेस के अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेड IUI भी करती हूँ, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि कैथेटर सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक बार यूट्रस के अंदर कैथेटर चला जाता है तो बहुत स्लोली
पुश किया जाता है सैंपल। अगेन इस चीज के अंदर आपका कंट्रोल नहीं है, बट जो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ध्यान रखना चाहिए कि जो सैंपल है वो बहुत तेजी से पुश नहीं हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे IUI के सक्सेस को बढ़ा या घटा सकती हैं। तो हल्के से हम सैंपल पुश कर देते हैं जिससे सैंपल यूट्रस के अंदर स्टे करता है, धीरे धीरे करके ट्यूब्स के अंदर चला जाता है जहाँ पे आपका एग वेट कर रहा है। IUI के प्रोसेस के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि 15-20 मिनट वैसे ही लेटे रहें। एक बार 15-20 मिनट हो जाते हैं उसके बाद हम उनको अगले 15 दिन की मेडिसिंस उनको समझाते हैं। ये 15 डेज की मेडिसिंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वो मेडिसिंस होती हैं जो आपके यूट्रस को रेडी करती हैं प्रेगनेंसी आने के लिए। इस टाइम पे हम डूज एंड डोंट्स बताते हैं पेशेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है। IUI के प्रिकॉशंस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेते हैं जो आप सिंपल यूरिन प्रेगनेंसी किट से खुद से टेस्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में। हर पेशेंट अलग होता है तो हर पेशेंट के हिसाब से उनका सक्सेस रेट हम लोग डिस्कस करते हैं और सभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनसे डिस्कस करते हैं। IUI के प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको कुछ और पूछना है जानना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, आप कभी कभार बस एक लाइन लिख देते हैं और पूछते हैं कि हमें प्रेगनेंसी आ जाएगी क्या। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत पड़ती हैं। अगर आपको मुझसे आपके बारे में ट्रीटमेंट जानना है तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट सेक्शन में आपको जितना रिप्लाई जितना हेल्प कर सकूँ उतना करूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्टिलिटी।